नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लैनेट पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 2024 में वो कौन कौन सी संगीत की वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलेगी। 2023 से संगीत की बम्पर वैकेंसी का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो 2024 में भी जारी रहने वाला है। इस वीडियो में पूरा जो भी केंद्र की वैकेंसी हो या स्टेट की वैकेंसी हो वो सारी वैकेंसियों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। संगीत की ये पूरी तरीके से चैनल डेडिकेटेड है, संगीत की हर एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वैकेंसी के लिए जो कोर्सेज लॉन्च है उसको देख लेते हैं। अभी इससे पहले क्या है कि हमारी एप्लीकेशन पे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए। जैसे बीपीएससी 3.4 के लिए कोर्स स्टार्ट हुआ है, ईएमआरएस के लिए कोर्स है, स्टेट के लिए कोर्स, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। कई बार से मैसेज आप सबसे आ रहे थे कि सर एक ही कोर्स लाया जाए, ऐसा कोई कोर्स लाया जाए जिससे एक ही बैच में सारे कोर्स को कवर किया जा सके, एक ही बैच में सारे कोर्स जो हैं, सारे एग्जाम के जो हैं आपको मटेरियल मिल जाए। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र वैश लॉन्च किया गया है। क्या है ब्रह्मास्त्र वैश, इसके बारे में जरा देखते हैं और समझते हैं। देखिए, इस बैच में आपको बीपीएससी, एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस और साथ में ही एसटेट, ये जितने भी यहां पे आपको एग्जाम दिख रहे हैं सारे एग्जाम की प्रिपरेशन इस बैच में आपको कराई जाएगी। जब मैं कहता हूं कि इस बैच में सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ही क्लास नहीं होता है संगीत में। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जितने भी बैच आप देख रहे हैं, जितने भी आप एग्जाम के नाम देख रहे हैं, सबके लिए अलग अलग क्लासे चलती है। इस चैनल पर हमारे एप्लीकेशन पे खिचड़ी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि एक ही क्लास लगा दें और ये सबकी तैयारी हो जाए। कैसे तैयारी हो जाएगी आप भी बताइए। ये सारे एग्जाम का सिलेबस अलग अलग है, बीपीएससी का सिलेबस अलग है, ये तीनों का सिलेबस अलग है, ये तीनों का सिलेबस एक है, ठीक है। स्टेट का सिलेबस अलग अलग है। जब ये सारे का जो सिलेबस है वो अलग अलग है तो एक ही क्लास कैसे हो सकता है। उसीलिए हमारे एप्लीकेशन पे जो लोग ज्वाइन है उन्हें पता है कि बीपीएससी की क्लासेस अलग से हम लेते हैं, ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस की क्लासेस अलग से लेते हैं, एसटेट की क्लासेस अलग से है। तो ब्रह्मास्त्र बैच का मतलब ये नहीं कि कोई एक सिंगल आपको लेक्चर दिया जाएगा एंड वो सारे बैच में दिया जाएगा, नहीं। सबका सिलेबस अलग है, सबके सिलेबस के हिसाब से, उस पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लेक्चर जाने चाहिए, सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपकी म्यूजिक की क्लासेस होंगी वो लाइव रहेंगी। कैसे रहेंगी क्लासेस, वो लाइव रहेंगी। अभी के लिए टाइम टेबल आपको मिला होगा, अगर आप एप्लीकेशन में होंगे तो 8 बजे आपकी पर डे क्लासेस होती है एप्लीकेशन पे संगीत, ठीक है। तो बीपीएससी, एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस के लिए आपकी लाइव क्लासेस म्यूजिक की रखी गई है। एस्टेट की जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि एस्टेट का सिलेबस लिमिटेड है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस है, उस हिसाब से आपको रिकॉर्डेड क्लास की रिक्वायरमेंट है और रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है। एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है, लिमिटेड सिलेबस कंप्लीट करके आप यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। जब एस्टेट का एग्जाम आएगा तो उस समय अगर कुछ रिक्वायरमेंट हमें लगेगी कि लाइव क्लास लेने की जरूरत है तब आपको लाइव क्लास दी जाएगी। पेपर वन और पेपर टू एस्टेट दोनों के लिए पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेज है। जब भी इन क्लासेस को आप अटेंड करें एक बात ध्यान रखिए कि 2 से 3 कॉपी बना लें। बीपीएससी के लिए अलग नोट्स बनाएं, ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस के लिए अलग नोट्स बनाएं और एस्टेट के लिए अलग नोट्स बनाएं। एस्टेट अगर दे लिए हैं अच्छी बात है, ये दोनों के लिए अलग अलग नोट्स बनाएं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लासेस अलग अलग चलेंगी, मटेरियल सारी चीजें आपको अलग मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, तो आप नोट्स भी अलग अलग बनाएंगे। हालांकि हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे प्रिंटेबल नोट्स दिया गया है, उसको प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन खुद का नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखोगे तो इसमें क्या क्या फीचर आपको दे रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज लिखी गई है। फुल सिलेबस लाइव लेक्चर आपको मिलेगा, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद 1000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे, 10 फुल सेट पेपर मिलेगा, और 10 की जगह यहाँ पर आप 20 भी लिख लोगे तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें 10 हो जाएगा आपका, फिर इसमें भी आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 20-25 आपको मिल जाएंगे क्योंकि स्टेट का भी है।
उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग इधर उधर इंटरनेट पे ढूंढते होंगे, सारा प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है। हम बीपीएससी की बात करें, हम केवीएस की बात करें, हम ईएमआरएस की बात करें, हम यूपी की बात करें, सारा प्रीवियस ईयर पेपर आपको हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक जगह बैच के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेस्ट सीरीज है, तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज जो है फ्री मिल रहा है, आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही में और भी कुछ छोटी छोटी चीजें है, जैसे कल दिन से एनसीईआरटी बुक्स की क्वायरी आ रही थी कि सर एनसीईआरटी बुक आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक कहीं भी मिल जाता है, नहीं ले पा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक 11, 12 की चार एनसीईआरटी बुक है, चारों एनसीईआरटी बुक हम इसमें आपको दे देंगे। तो ये इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, खासतौर पर जब आप बात करते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, अगर आप इन सारे बैच को देखोगे, देखो हमारा अगर आप समझो तो ईएमआरएस वाला जो हमारा बैच है वो 1500 का है, बीपीएससी वाला बैच भी हमारा 1500 का है। इसके अलावा 721 रुपये का हमारा एस्टेट का आराम बैच शुरू हुआ है, इसको देखते हो तो लमसम 3700 रुपये आपका आ जाता है, इतना फी आपका लगेगा। बट अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच लेते हो तो कंबाइंड में सिर्फ और सिर्फ 2500 ही आपको देना होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि सर हम एस्टेट दे लिए तो हटा दो, फिर भी आप देखोगे मेरे बड़े भाई तो आपको यहाँ पे 3000 हो जाएगा, तो वहां पर आपको 2500 मिल रहा है, तो 2500 फी में सब कुछ मिल रहा है। और जिस तरीके का कंटेंट हम देते हैं वो तो बेस्ट कंटेंट रहता है म्यूजिक में, इतना हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। और भरोसा ही नहीं, आपने हमारा स्टेट का रिजल्ट देखा और जो बैच में हमारे स्टूडेंट ज्वाइन है वो तो बिल्कुल आपको फीडबैक दे देंगे। कुछ भी परेशानी हुई तो यहाँ पर नंबर आपको नीचे स्क्रॉल कर ही रहा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन है, यूट्यूब से लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासेस जो है एनबीएस ईएमआरएस केवीएस की स्टार्ट हो चुकी है, इसकी क्लासेस ऑलरेडी है ही। बीपीएससी में आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मंडे से आपका इसमें म्यूजिक की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी लाइव, तो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप सब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए ये एक डिस्काउंट हमने आपके लिए रखा है 2500 में कंप्लीट। अच्छा, वैलिडिटी के लिए आप लोग पूछ रहे थे, वैलिडिटी कब तक है? वैलिडिटी हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए यानी मतलब कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने की वैलिडिटी दे दी है, 6 महीने में एग्जाम नहीं हुआ तो 7वें महीने में हम आपसे कहें कि बैच फिर से ले लो। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है बीपीएससी एनवीएस और स्टेट तब तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, बीच में आपको कहीं पेमेंट नहीं करना है, वन टाइम पेमेंट है। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा क्या है? बीपीएससी बिहार, बिहार बोर्ड ने पिछले साल दिसंबर में यह बताया था कि स्टेट जो है 2 बार होने वाला है, तो बिहार से ही शुरुआत करते हैं, जरा बिहार के बारे में समझते हैं। बिहार से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि बम्पर वैकेंसी संगीत की यहीं पे आ रही है, तो बिहार में फिलहाल के लिए टीआरई 3.0 की चर्चा चल रही है, हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका फॉर्म निकल गया है, हम उन्हीं वैकेंसी में बात करेंगे जिनका फॉर्म आना है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि एस्टेट 2024 आप लोग दे दिए होंगे, अगर पेपर 2 हो वाले होंगे तो अभी देने वाले होंगे, तो एस्टेट जो है बिहार के लिए आ रहा है। ठीक है, और जब आप एस्टेट जो है दे चुके हैं तो यहाँ पे आपको बीपीएससी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, बीपीएससी टीआरई 4.0। ठीक है, ये चीजें आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगी। अगर एस्टेट इस बार आपने नहीं दिया है तो एस्टेट मैंने अभी बताया कि एस्टेट दोबारा होने वाला है, जुलाई अगस्त के आसपास फिर इसका फॉर्म आएगा, तो एस्टेट 2024 बिहार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिहार में एस्टेट 2024 की अगर आप फिल करेंगे तो फिर बीपीएससी 5.0 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर इस बार आपने एस्टेट दे दिया है तो आने वाली वैकेंसी कौन सी है? टीआरई 4.0। ये रही बिहार की बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल की वैकेंसी के लिए। सेंट्रल की एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत लोगों का इंतजार होता है। पहले सेंट्रल पे मुख्यतः 2 ही वैकेंसी थी, केवीएस और एनवीएस, अब सेंट्रल में ईएमआरएस भी जुड़ गया है, जरा इसके बारे में हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एनवीएस के बारे में। क्यों इसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि मेरे बड़े भाई इसका कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है
और कैलेंडर के हिसाब से जो एनबीएस का फॉर्म है वो 15 जुलाई से फिल होना शुरू हो जाएगा। तो एनबीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, पहला बीपीएससी, दूसरा आपको एनबीएस देखने को मिल जाएगी, 15 जुलाई से इसका फॉर्म फिल हो जाएगा। और कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि 30 सितंबर को इसका एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दिया है, तो एनबीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जब मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं ईएमआरएस की। क्या है ईएमआरएस? पिछले साल इसकी वैकेंसी आई थी और ऐसा कहा गया है कि 3 साल लगातार इसकी वैकेंसी आएगी। संगीत में लमसम 700 कुछ पद थे जिसमें से सिर्फ 264 या 260 पद के आसपास ही भर्तियां हुई हैं। यानी अभी भी आप देखेंगे तो लमसम 550 से ज्यादा पद जो है इसमें खाली मिलेंगे आपको। तो ये ईएमआरएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इस साल, क्योंकि मंत्री जी ने जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 2024 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो ईएमआरएस 2024 है। अब बात करता हूं मैं केवीएस की। केवीएस की वैकेंसी जो है आपको 2023 में देखने को नहीं मिली थी, ये वैकेंसी 2022 में आई थी। और केवीएस की वैकेंसी का है कि एक साल अल्टरनेट करके आता है, तो 2024 में भी इसके आने की संभावना है। ठीक है, तो केंद्र की बात करें तो एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी फुल प्रिपरेशन हमारे एप्लीकेशन पे शुरू हो चुकी है, क्लासेज भी शुरू हो चुकी है। जो क्लासेज आपने मिस कर दिया है उसको क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते जब हम यूपी पीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, देखिए जब से यूपी में भाजपा को झटका लगा है तब से जो है सीएम ऑफिस से कई प्रकार की खबरें हर दिन निकल के आती हैं, उसी में से यूपी टीजीटी पीजीटी की खबरें निकल के आई थी। इससे पहले मैं बता दूं कि नई भर्ती के लिए कोई सूचना अभी नहीं मिली है। ये जो मैं बात करता हूं, जो पुराने बच्चे जो थे, पुराने विद्यार्थी थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया था और वो जो एग्जाम में अभी तक हुआ नहीं, उसके बाद दो जो आयोग थे उनको हटा दिया गया, दोनों आयोग को एक में मिला दिया गया, अध्यक्ष का गठन होना था, सदस्यों का गठन होना था, बहुत सारी चीजें हुई इसमें। और अब इससे खबरें निकल के आ रही है कि लगभग 13 लाख विद्यार्थी जो है इसका फॉर्म फिल किए हैं, तो पहले इनका ही एग्जाम होगा, नई भर्ती की सूचना नहीं मिल रही है। लेकिन नई भर्ती की भी सूचना आपको यहां से देखने को मिलेगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ऐसे कुछ बोर्ड की जो गठन हुआ है वो शिक्षा के लिए ही है, वो शिक्षा चयन के लिए ही है। तो शिक्षक के चयन के लिए जो बोर्ड बना दिया गया है वो अब यूपी टीजीटी पीजीटी में भी एक्टिव हो गया है और तेजी से कार्य करता रह रहा है, कर रहा है। तो सबसे पहले जो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा तो इसकी आपको देखने को मिल जाएगी, एग्जाम डेट वगैरह जल्दी आने की संभावना है और न्यू वैकेंसी भी यहां से आपको देखने को मिलेगी। और यूपी में जो सैलरी है काफी अच्छी मिलती है, केंद्र लेवल की सैलरी यहाँ पे मिलती है, तो बहुत अच्छी चीज है। तो न्यू वैकेंसी यूपी में आपको देखने को मिलेगी, जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगा, चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा मैं बात करूं तो एमपी की बात करूं, अगर आपने एमपी टेट दिया होगा, ठीक है, एमपी मेंस की वैकेंसी आने वाली है, कंफर्मेशन है, तो एमपी में भी जो है आपको वैकेंसी मिलने वाली है। बस यही शर्त है कि आपको एमपी टेट जो है वो देना होना चाहिए, पास होना चाहिए। पेपर जो है काफी हार्ड आया था, सर जो पढ़ाते हैं उन्होंने पास उसको कर लिया है, ईएमआरएस ऑलरेडी उनका निकल चुका है, तो पेपर हार्ड आने की वजह से काफी विद्यार्थी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उतने विद्यार्थी तो हैं कि कॉम्पिटिशन हो ही जाएगा। तो एमपी की भी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो क्या क्या चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, बीपीएससी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, 4.0 स्टेट दिया है तो नहीं दिया है तो स्टेट इस बार आप दे देना, फॉर्म आएगा, इन्फॉर्म कर दिया गया है, बैच ऑलरेडी लॉन्च हो ही चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा एनबीएस ईएमआरएस की भी आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा यूपी देखने को मिलेगी, एमपी आपने फॉर्म फिल किया है तो देखने को मिलेगी। तो ये कुछ वैकेंसी थी जो 2024 में आने वाली है। और आप देखोगे ये कितनी वैकेंसी, मैंने आपको यहाँ पे 3 हो गया, एक यहां पे हो गया 4, ठीक है, तो 4 से 5 वैकेंसी आपको देखने को इस साल मिलेंगी। और ये 4 से 5 वैकेंसी अगर संगीत के लिए आ रही है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको भुनाना है। इस चैनल पे क्लासेज ऑलरेडी चली रही हैं, ये जितने भी क्लासेज आप देख रहे हैं इन सबके डेमो और लेक्चर भी अवेलेबल हैं। हालांकि आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं 5 बजे, तो वो सारी चीजें आप देख ही रहे हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कॉल करके संपर्क
कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीजें आएंगी, मेरे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऑलरेडी जो विद्यार्थी हैं जो हमारा कोई बैच ले लिए हैं, वो कहेंगे कि हमको अब अपग्रेड करना है, हमको अब फिर 2500 देना होगा क्या, जो ऑलरेडी किसी बैच में ज्वाइन है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बीपीएससी की हमारे ऑलरेडी ज्वाइन है, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा फी देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे जो नंबर इंस्टॉल हो रहा है उस पर आप कॉल करके बता देना कि हम इस बैच में ज्वाइंट हैं, हम आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड कर देंगे, उस कूपन कोड को जब आप यूज करेंगे तो आप ऑलरेडी आपको इतने अमाउंट में ही आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1500 पे किया है तो अब आपको सिर्फ 1000 ही पे करना होगा और आपको ब्रह्मास्त्र बैच में एड कर लिया जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट है उनके लिए हमने सोच रखा है, आप बिल्कुल भी इसके लिए परेशान ना हो। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करें, लाइक जरूर करें। इस तरीके के वीडियो के लिए रिसर्च करना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या बताना है क्या नहीं बताना है, और तब आती है। ठीक है, धन्यवाद।